वेलकम वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। एंड आज अपन भाई दोबारा से प्ले करने वाले हैं गैंगस्टर वेगास क्राइम। तो तुम लोगों भाई पता होगा इस वाले गेम में जो है सिटी का सबसे खतरनाक माफिया फ्रैंक विलियानो जो है भाई अपने पीछे हाथ मुंह धो के पीछे पड़ गया है। एंड अपन भाई भाग रहे हैं एंड जो वीरा है वो भाई अपनी हेल्प कर रही है गैंगस्टर से अपन को बचाने में। एंड वो जो भाई गैंगस्टर को पैसे खिला के अपने और गैंगस्टर के बीच जो समझौता कराने वाली थी। बट जैसा ही तुम लोग जो है पिछली वीडियो में देखा ही होगा अपन ने भाई वीरा को साफ साफ बोल दिया कि अब भाई गैंगस्टर से अपन जो कोई समझौता नहीं करने वाले भाई सिटी से जो है इस वाले माफिया नाम निशान जो अपन मिटा देने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार आज की इस वाली वीडियो में। तो अगर तुम लोग जो इस वाले चैनल पर यार पहली बार आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड तुम लोगों को भाई पता होगा अपन का जो भाई 2024 का टारगेट है कि 2024 खत्म होने तक जो अपने चैनल पे अपन को 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो आई होप कि जो है तुम लोग ये वाला टारगेट भी कंप्लीट करवा दोगे। और अगर भाई तुम लोग जो अपन से सोशल मीडिया पे बात करना चाहते हो तो वो फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी जो है तुम लोग अपन को फॉलो कर लेना। एंड फिलहाल जो अपन के पास भाई ईमेल का कॉल आ गया है उसको भाई अपन से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो फटाफट से भाई सबसे पहले चलते हैं ईमेन के पास और देखते हैं उसे जो अपन से क्या काम होने वाला है। ओके गाइस, तो फाइनली भाई अपन आ चुके हैं ईमेन के पास। तो फटाफट से ईमेन से बात करते हैं एंड देखते हैं भाई ये क्या अपन को बोलने वाला है। ओके गाइस, तो फाइनली जो भाई अपनी ईमेन से बात हो गई और ईमेन ने भाई अपन को जो है खतरनाक वाला टास्क जो है दे दिया है। फिलहाल ईमेन बता रहा है भाई अपना फ्रैंक माफिया जो अपने पीछे पड़ा हुआ है जिसके साथ जो अपनी फाइट चल रही है उसकी भाई कोई बहुत ही ज्यादा तगड़ी सुपर कार जो है उसी की फैक्ट्री में आने वाली है। तो अपन को जो वो कार चुरा के लानी है भाई वीरा के लिए। तो फटाफट से अपन जो ये काम करने वाले हैं काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिलहाल ईमेन ने भाई अपन को लोकेशन बता दी तो फटाफट से अपन चलते हैं उस वाली लोकेशन पर। भाई वहाँ पे जाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ भाई इसने इस वाले चेतक जैसे दिखने वाले स्कूटर का। तो फटाफट से भाई इसे उठाते हैं। इसे जो मैंने इस वाले गेम में कभी ट्राई नहीं किया। बाकी भाई इसकी साउंड तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई KTM बाइक जैसी जो है इसकी साउंड आ रही है। तो फटाफट से इसे भगाते हैं। भागने पर तो भाई भगाने पर तो इसकी साउंड और भी ज्यादा चेंज हो जाती है। तो फटाफट से भाई इसकी एक बार पूरी स्पीड अपन लगा कर देखते हैं कितना ज्यादा भागता है। फिलहाल भाई ये वाला स्कूटर भाई काफी ज्यादा तेज भागता है एंड काफी ज्यादा स्मूथ भी भाई ड्राइविंग करने में ब्रेक व्रेक भी आसानी से लग जा रहे हैं। तो फटाफट से भाई इसे ही लेके मैं जो है फैक्ट्री में जाने वाला हूँ। एंड माफिया बंदों से आने से पहले भाई अपन को फैक्ट्री में पहुंचना है तो फटाफट से पहुंचते हैं भाई। ऐसा ना बंदे भाई कार डिलीवर भी कर रहे हैं अपन वहां तक पहुंच भी ना पाए। फिलहाल 400 मीटर और दूर है भाई अपन से फैक्ट्री। तो फटाफट से अपने जो इस छोटे वाले चेतक स्कूटर को यहाँ पे भगाते हैं एंड भाई क्या ही भाग रहा है एंड क्या ही जो इस वाले स्कूटर की जो साउंड आ गई है। तो आई थिंक भाई फिलहाल यही वाली फैक्ट्री माफिया की यहीं तक अपन को पहुंचना है। एंड भाई ये इस वाली सीढ़ियों पर देखते हो कि ये नहीं चढ़ने वाला तो फटाफट से अपन जो भाई ये वाला पार्सल कलेक्ट करते हैं। एंड सामने की लोकेशन पर अपन को जाना है। आई थिंक यहीं पर जाकर जो अपन को छिपना है तो फटाफट से यहाँ पे छिप जाते हैं और देखते हैं भाई। ओके, तो आई थिंक भाई फाइनली जब माफिया बंदे उस वाले सुपर कार को लेके आ गए हैं एंड देखते हैं भाई अपन ओके ये भाई एक खतरनाक सुपर कार है यही रेड वाली कार जो भाई अपन को चुरानी है। तो बराबर से भाई अपन यहाँ पे छिप गए। तो सबसे पहले तो आई थिंक भाई अपन को जो इनके बंदों को मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई इनके बंदों को मैं थोड़ा दूर जाने का जो है वेट करता हूँ तभी बाद में इसको मारने वाला हूँ। एंड आई थिंक भाई ये सही टाइम है इनके बंदों को मार के जो है ये वाले सुपर कार चुराने का। तो फटाफट से भाई इन सभी बंदों का खेल अपन खत्म करते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले तो भाई अपन जो इस वाले बंदे को मारते हैं एंड इसको के भाई ये सारे बंदे भाई कैसे पता लग गया कि मैं यहाँ पे छिपा हूँ कोई नहीं भाई अपन ने जो आई थिंक सभी बंदों को जो मार दिया है एंड ये वहाँ पे गए। ओके, वहाँ से तो अपन भाई ओनली कार ब्लास्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से आई थिंक अपन को जो है ये रेड वाली कार उठा के भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये तो भाई काफी ज्यादा इजी था अपने लिए। तो फटाफट से भाई अपन जो इस वाली कार के अंदर बैठते हैं एंड इसी जो है ड्राइव करके देखते हैं अपन आखिरकार भाई ये वाली कार चलने में कैसी। तो फटाफट से भाई अंदर देखते हैं भाई दिखने में भाई ये कार काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। फटाफट से चलाते हैं बट इससे पहले भाई अपने पीछे भाई पुलिस लग गई है। तुम लोगों को पता होगा भाई इस सिटी की पुलिस भी जो भाई माफिया के इशारे पे चलती है एंड अगर अपन कार चलाएंगे तो ऑब्वियसली भाई अपने पीछे पुलिस लगने वाली है। तो फटाफट से सबसे पहले तो भाई पुलिस को अपने पीछे से हटाना पड़ेगा एंड मेरी ड्राइविंग भाई फिलहाल इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है बट ये कार भी भाई काफी ज्यादा स्पीड चलती है। तो फिलहाल तो मैं जो पुलिस से थोड़ा सा दूर आ गया उतनी ज्यादा दूर तो नहीं आया बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं इस वाली कार को जो है निकालू कहाँ से। तो फटाफट से मैं मैप देख लेता हूँ एक बार एंड ओके, तो कोई लोकेशन भी नहीं आई है। सबसे पहले अपन को भाई पुलिस को भगाना पड़ेगा देन फिर हम जो है इस वाली कार को डिलीवर कर सकते हैं। तो फटाफट से भाई अपनी कार को यहाँ पे लेके चलते हैं एंड ओके वहाँ पे जाए सामने की तरफ से रास्ता एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई गलती। सामने की तरफ नदी होती है एंड कार की जो उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है एंड वो पानी में ब्लास्ट हो जाती है। तो एक बार दोबारा से जो मैं इस वाले मिशन को स्टार्ट करता हूँ तो इस बार अपन को भाई काफ़ी ज़्यादा केयरफुली जो है पुलिस को एस्केप करना है, अपनी गाड़ी को ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस बार जो है बाय रोड जो है इस वाली कार को निकालने वाला हूँ एंड फिर भाई पुलिस को एस्केप करूँगा। बाकी भाई 2-स्टार पुलिस फिलहाल अपने पीछे, भाई 1-स्टार तो एस्केप कर नहीं पाता, मैं 2-स्टार पता नहीं कैसे करूँगा। एंड फिलहाल भाई मैं रॉन्ग वे पर कार को चला रहा हूँ एंड ये देखो भाई मुझे नहीं लगता कि इस वाली कार को जो मैं सही सलामत जो है यहाँ से निकाल पाऊँगा। फिलहाल भाई रास्ते से नीचे मैंने अपनी कार को निकाल दिया एंड फटाफट से भाई अपन जो भगाते हैं।
एंड अभी भी भाई पुलिस अपने बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, तो काफ़ी तेज जो मैं इस वाले रनवे पे इसे जो है लेके जाने वाला हूँ। बाकी फिलहाल साइड में भाई नदी, अगर कार नदी में गई तो भाई बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगी। एंड फिलहाल पुलिस भी बिल्कुल अपने पीछे ही लगी हुई है, तो फटाफट से भाई अपनी कार को भगाते हुए अपन लेते हैं फिलहाल इस वाले बड़े वाले हाईवे में अपनी कार को ले लेता हूँ। एंड कंट्रोल भाई मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता कि भैया फिलहाल मैं इसे सही से डिलीवर कर पाऊंगा, मुझे लगता है भाई रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाने वाली है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल दो दो पुलिस की गाड़ी अपने पीछे थे, बट अपन काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हैं एंड पुलिस ने फाइनली भाई अपना पीछा छोड़ दिया है। एंड अब जो मैं इस वाले कार को जो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली ड्राइव करने वाला हूँ, तो इसको एक जो है अपन को जो है ई मैन के गैरेज पर लेके जाना है एंड वहीं पर जो इस कार की डिलीवरी अपन को करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से मैं जो इस वाली कार को लेकर जाता हूँ, क्योंकि अब भी भाई पुलिस अपने पीछे से हट चुकी है एंड मैं भाई इतनी मेहनत ये की मिशन को भाई फेल नहीं करना चाहता। तो बराबर से भाई इस वाली कार को लेकर चलते अपन ई मैन के गैरेज पर। बाकी भाई इस वाली कार की स्पीड देखो तुम लोग यार, एक बार कितनी ज़्यादा स्पीड जो है इस वाली कार को, इसको भाई गैरेज में डिलीवर करने का बिल्कुल भी मन कर नहीं कर रहा है। इसे भाई पर्सनल कार बना के अपन रख सकते हैं, बट फिलहाल भाई अपना जो इतना ज़्यादा पैसा अपने पास है नहीं, तो फटाफट से भाई जहाँ पे इसको डिलीवर करना है फटाफट अपन जो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। एंड मिशन करते करते भाई तुम लोग देखो अपन को भाई शाम हो गई है, तो फटाफट चलते हुए रात होने से पहले अपन को जो ये वाली कार डिलीवर करनी है। फिलहाल अपन आ गए भाई किसी कार्ल्स के गैरेज पे एंड देखते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन है। ओके तो अपन आए भाई कार्ल्स कार के शोरूम पे, आई थिंक यहाँ पे जो ये लोग कार बेचने वाले हैं एंड यहाँ पे वीरा ईमैन पहले से ही आए हुए, तो फटाफट से इनसे बात करते हैं देखते भाई ये क्या कहते हैं। तो ओके गाइस फिलहाल अपनी वीरा से बात हो गई है एंड ये जो भाई अपनी कार लेके यहाँ पे निकल जाएगी। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर तुम लोग जो है ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग यार अगली वाली वीडियो में। If you ever need some extra cash, you can snag a car and bring it to this or any one of Carl's fine chopping.